हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर से जो फ्रेम किया गया है क्वेश्चन उसे। दोस्तों, ये हमारा स्टैटिक एमसीक्यू वाला सीरीज़ है, ये हमारा सेट वन है। इसके बाद कई सारे और सेट्स आएंगे जो अलग अलग विषय पर होंगे। ये आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की है। अगला दोस्तों पॉलिटी का होगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा, ऐसे करके सारे जो नोट्स हैं दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे जैसे प्लान हो जाएंगे वैसे वैसे वीडियो आता जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है adsumant.com और ये मेरा नीचे फेसबुक पेज है facebook.com/adsumant। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल है, तंजावर या तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ इम्पीरियल चोला, क्या यह बात सही है? जी हाँ जी, ये बात सही है, मेरा पहला सही यहाँ पर। पांड्या, दे हैड देयर कैपिटल एट कांचीपुरम, क्या बात सही है? दोस्तों पांड्या नहीं, जो पल्लव थे उनकी राजधानी थी कांचीपुरम, ठीक है? पांड्या नहीं, जो पल्लव थे ना उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। सर दोबारा क्यों बोला आपने, लोग भूल जाते हैं बच्चे, मेरा सेकंड गलत हो गया। मदुरई सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ पल्लव रूलर, दोस्तों ये गलत है, जो पांड्या था उनकी राजधानी थी मदुरई, ठीक है ना? तो पल्लव का हो गया कांचीपुरम और जो मदुरई थी वो किनकी हो गई, पांड्या की हो गई। मेरा सेकंड थर्ड गलत है, क्या पूछ रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, गलत है वो पूछ रहा। मेरा आंसर क्या है, सी 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट। अगर पूछता करेक्ट क्या कहना था मुझे, 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौर्यन एम्पायर, द स्टेट हैड अपॉइंटेड अध्यक्षास टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द स्टेट, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है जी। सन्निधाता वॉज द चीफ कस्टडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, देखिए दोस्तों ये सवाल मैंने दिया है आपको इस स्टेटमेंट के रूप में, इसको एक तरह से और फ्रेम कर सकते थे। मैं ऐसा कहता कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, आपको मैं देता यहाँ पर लिस्ट 1, यहाँ मैं देता लिस्ट 2। मैं ऐसे कहता यहाँ पर लिस्ट 1 में होते मेरे पोस्ट और लिस्ट 2 में रहते उनके काम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता ए और मैं आपसे कहता कि ये है अध्यक्षा, ठीक है ना? काम क्या है इसका, टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बी में दे देता क्या, चीफ कस्टडियन ऑफ, जैसे कि बी में दे देता सन्निधाता, काम क्या है इसका, चीफ कस्टडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी। आपसे मैं पूछता कि इनमें से कौन सा जो मिलान है वो सही है, क्या होता, मेरा पहला सही है ना, मेरा सेकंड ये भी सही है, तो क्या होता मेरा आंसर, 1 and 2, है ना? ऐसी बातें होती, तो मेरा सेकंड सही है यहाँ पर। पंच्ड मार्क सिल्वर क्वाइंस कैरिंग द सिंबल ऑफ पीकॉक हिल क्रिसेंट एटसेट्रा फॉर्म्ड देयर करेंसी, क्या बात सही है दोस्तों? जी हाँ जी, उनके सिक्कों पर मोर मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, चांद वगैरह मिलते हैं। मेरा आंसर है यहाँ पर 3, डी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे हमें हमारे पास, आज 2 हो गया है, 8 बाकी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड बाई महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर, क्या बात सही है? दोस्तों जो एमजी रानाडे थे और जो आर भंडारकर थे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। दे वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्मो समाज एंड दे कंडेम्ड कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा थी उसको उन्होंने विरोध किया था, और जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी थी, जैसे कि जो छुआछूत की जो समस्या थी उससे वो, जैसे कि उनको वो विरोध करते थे उसका, मेरा पहला सही है। ज्योतिराव गोविंद फुले ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज विच वॉज ओपन टू एवरी वन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। यहाँ पर दोस्तों दो बात बताई गई हैं एक ही लाइन में। पहली बात कि जो ज्योतिराव गोविंद राव फूले थे, उन्होंने जो समाज थी उसकी स्थापना की थी, क्या बात सही है? जी हाँ जी, इन्होंने, गोविंद राव फूले नहीं, जो सत्य समाज है इसकी स्थापना की थी, मेरी पहली बात सही होगी। दूसरी बात यह है कि क्या ये ओपन था सबके लिए? जी हाँ जी, ये सबके लिए ओपन था। इट वॉज ओपन टू एवरी वन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो आपको एक लाइन सही करने के लिए आपको दो फैक्ट चेक करने पड़ते, क्या ये फूले द्वारा साबित किया गया था? जी हाँ। क्या इसमें सारे लोग इसमें आमंत्रित थे? जी हाँ, दोनों बात सही है, मेरा सेकेंड सही है। दादा भाई नौरोजी एंड नौरोजी फुरदोनजी वेर एमंग द पाइनियर्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन द पारसी कम्युनिटी। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। नौरोजी जी ने और फुरदोनजी जी ने इनमें जो रिफॉर्म है उन्होंने चाहा था अपने पारसी कम्युनिटी में, और उन्होंने एक जनरल, जैसे कि उन्होंने जो एक जर्नल है, जो पत्रिका है, उसको उन्होंने स्टार्ट किया था, नाम है रस्त गोफ्तार। मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है यहाँ पर डी। अच्छा, अब मैं सवाल पूछता आपसे कि अगर जो पत्रिका है, जो जर्नल है रस्त गुफ्तार, इसे किसने शुरू किया था? आपको बताना है इन दोनों का नाम।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विष्णु वर्मा वॉज ऑथर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, इसके ऑथर कौन थे? विष्णु वर्मा जी थे। मेरा सही आंसर यहाँ पर मेरा पहला सही है। अर्थशास्त्र इज द वर्क ऑफ विशाख दत्त, क्या बात सही है? नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है कि जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक कौन हैं, कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो सर जो विशाख दत्त हैं इसने क्या लिखा है आपको बताना है, इसका नाम जो जिसका इन्होंने रचना की है, किन्होंने? विशाख दत्त ने। मेरा सेकंड गलत हो गया, मैंने क्या किया, मैंने ए काटा, मैंने सी काटा। मेरा आंसर क्या है, या तो बी है या तो डी है, है ना। राज तरंगिनी वाज कंपोज्ड बाय कल्हन, जी हाँ जी, मेरा थर्ड सही है। आपको ये बताना है कि जो राज तरंगिनी है उसमें किस राज्य के शासन की चर्चा की गई है, वो शासन कौन सा है। आपको मैं हिंट देता हूँ, वो शासन जो शासन है वो नॉर्थ में है और वो एक ठंडा प्रदेश है। मेरा यहाँ पर बी आंसर है, 1 and 3 ऑनली इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, शतक वॉज अ यूनिक टाइप ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड एट मथुरा, क्या बात सही है? जी हाँ, इंडियन मेड स्टील वॉज नॉन एज वुड्स, जी हाँ जी, ये भी सही है। पेपर वॉज रिफर टू एज यवन प्रिया ड्यूरिंग एंशियंट डेज, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि यवन प्रिया के नाम से कौन सी चीज़ जानी जाती है, क्या जानी जाती है? पेपर। मेरा आंसर यहाँ पर है थ्री, ठीक है ना। ये आयरन मन वाला पेपर नहीं, वो मतलब टोनी स्टार्क वाली नहीं, ये दूसरी पेपर है। मेरा आंसर यहाँ पर है डी। अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज एक ट्रेवलर थे, ये कहाँ के थे? आपको इनके ओरिजिन कंट्री का नाम बताना है। सर अब सवाल बहुत पूछते हैं, आपको सर्च करवाने के लिए पूछता हूँ, आप इनका नाम सर्च करेंगे, इसको सर्च करने के बाद आपको दो चीज़ें और पता चलेंगी। सर सर्च कैसे करना है, आप फ़ोन खोलिए, ब्राउज़र निकालिए, ओपन कीजिए, उसमें नाम सर्च कीजिए मेगास्थनीज, आपको गूगल में आपको फ्रंट पेज पर ही दिखा देगा उसके बारे में, कौन सी कंट्री का था, किस राजा के काल में आया, कौन सी शताब्दी में आया, ये सब भी आपको बता देगा चीज़ें। मेरा पहला सही है। फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, जी हाँ जी, ये गुप्ता किंग थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। मेरा सेकंड सही है। ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन, जी हाँ जी, ये भी सही है। मेरा थर्ड यहाँ पर सही है। मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, डी। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। कंसीड, अच्छा देखो इसको मैं पूछता है ऐसे कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैं दे देता आपको मेगास्थनीज, यहाँ होता फाहियान, यहाँ पर होता ह्वेनसांग, यहाँ मैं आपको दे देता रूलर जिसका शासनकाल में इसे बुलाया गया, जैसे कि आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, अगला होता क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड होता क्या किंग हर्षवर्धन। मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लिस्ट मतलब तीनों मैच सही होते। कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क, ये आपको दिया गया है कुछ लिटरेरी वर्क, कुछ रचनाएं हैं लिटरेचर पे, ये आपका आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमवर्षीयम और मरीचकटिकम, इसमें बताना है आपको कि कौन सा है जिसने जो हमारे जो कालिदास जी हैं उन्होंने लिखा है इनमें से किन रचनाओं को, इनमें से रघुवंशम को, मेघदूतम को और विक्रमवर्षीयम को, इनको लिखा है हमारे कालिदास जी ने। जो मरीचकटिकम है इसे लिखा है शूद्रक ने, किन्होंने? शूद्रक, शूद्रक इन्होंने लिखा है। मेरा फोर्थ गलत है, मैंने क्या किया, मेरा आंसर यहाँ पर बी। 1, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू संगम एज इन साउथ इंडिया, दोस्तों ये जो एज है इसका नाम संगम एज क्यों पड़ा, क्यों इनका नाम संगम है, कुछ मेला वेला क्यों नहीं, मेला एज क्यों नहीं। उरियंगूर वॉज अ फर्स्ट वॉज अ प्लेस फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, क्या बात सही है? जी हाँ जी, सही है। उरियंगूर जो था वो कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। पुहर, पुहर जो है इट इज आइडेंटिकल विथ कावेरीपट्टम विच वॉज द चोला कैपिटल, क्या बात सही है? जी हाँ जी, ये सही है। अर्लीस्ट रेफरेंस टू पांड्यास इज प्रोवाइडेड बाय पतंजलि, क्या ये बात सही है? नहीं, पतंजलि नहीं, जो पाणिनि थे, PANINI, यहाँ पर जो न है वो ये वाला न है, ये वाला न नहीं है, पाणिनि, ठीक है ना, ये वाला न। तो ये बातें हैं, मेरा थर्ड गलत हो गया। मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, ए। 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। आपका अगर दोस्तों हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो आपका ये जो गलतियां होती हैं हर शहीद दीर्घ में न और न में, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इस बातें हैं, उरियर वाज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, किंग करिका, ये सही है क्या
किंग करिका वॉज बिल्ट अ न्यू कैपिटल कावेरीपट्टम या पुहर। दिस न्यू कैपिटल वॉज बिल्ट बाय हिम विद 12,000 प्रिजनर ऑफ वार फ्रॉम श्रीलंका। ही रीऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट श्रीलंका एंड बाउट प्रिजनर फ्रॉम देयर। ये बातें हैं इस राजधानी के बारे में। पाणिनी ने प्रोवाइड किया था द अर्लीस्ट रेफरेंस टू पांड्या। पांड्या की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है इसका जवाब, और पल्लव की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है इसका जवाब। क्यों सर? क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बता दिया है। अगर आपको याद नहीं तो आप पीछे जाइए और जवाब दीजिए नीचे, तब आपको याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बिल्डिंग एट मांडू डेवलप्ड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ देयर ओन अंडर द सुल्तान ऑफ मालवा। क्या बात, सही है जी, बिल्कुल सही है। मांडू डेवलप किया गया था इन अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल बार देयर ओन रूलर ऑफ मालवा। जामा मस्जिद, द हिंडोला महल एंड जहाँ महल लोकेटेड एट मांडू आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट मोन्यूमेंट्स ऑफ रीजनल आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। मालवा का जो टेक्चर है उस पर यह बसा हुआ है। जहाज महल, हिंडोला महल, हिंडोला जहाज, देख रहे हैं ना, जामा मस्जिद, ये सब चीज़ें वहाँ हैं। मेरा सेकंड सही है। द बिल्डिंग्स ऑफ मालवा हैव वाइड एंड इम्पोजिंग आर्क्स। आर्क्स क्या होता है ना, एंड विंडो। अच्छा देखिए दोस्तों, जो हमारे जो फाइन आर्ट्स वाला जो किताब है एनसीईआरटी वाला, उसमें है जो मीडिएवल वाला है ना आर्टन कल्चर, उसके बारे में बताया गया। जैसे कि जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है उसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। उसमें आपको वो चैप्टर जाकर पढ़ लेना है, किसमें से, जो फाइन आर्ट्स की किताब है एनसीईआरटी वाली, उसमें से। आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है आर्ट एंड कल्चर, मेंस के लिए तैयार करना है आर्ट एंड कल्चर, तो इस दोनों के लिए जो फाइन आर्ट्स वाली किताब है एनसीईआरटी की, वो मस्ट है। आप कुछ भी रिफ़र कर रहे हो, विजन का मटेरियल, किसी और कोचिंग का मटेरियल, सिंघाने विंघाने का मटेरियल, वो सब बाद में, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ये वाली। तो ये बातें सही है, मेरा थर्ड सही है यहाँ पे। द टॉम्ब ऑफ सुल्तान होशंग शाह ऑफ मालवा इज मेड इंटायरली ऑफ मार्बल एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इनका जो मॉन्यूमेंट है, इसका जो टॉम्ब है, वो किस पर बनाया हुआ है? ये बना गया है मार्बल के द्वारा, संगमरमर के द्वारा। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? क्या ये इग्नीशियस चट्टान है? क्या ये मेटामॉर्फिक चट्टान है? क्या ये तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है मेरे भाई? तीसरा होता है सेडिमेंट्री। तो इग्नीशियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, किस तरह की चट्टान है ये मार्बल, आपको इसका जवाब देना है नीचे। तो हाँ, मेरा फोर्थ भी सही है यहाँ पर। मेरा आंसर यहाँ पर क्या है? डी, 1, 2, 3 और 4 आर करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। मेघवर्मना द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू समुद्रगुप्त फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। गया में दोस्तों है बोध गया, ठीक है ना। बोध गया में क्या है? बोध गया में है महाबोधि मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड हेरिटेज है, कौन देता है? यूनेस्को देता है। मेरा पहला सही है। डेवलपमेंट इन लिटरेचर अटेंड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोस्तों एक गुप्ता किंग थे, गुप्ता, ठीक है ना। मेरा सेकेंड क्या है? सेकेंड यहाँ पर सही है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी। क्या यह बात सही है? देखिए दोस्तों, ये जो पिलर है मेहरौली वाली, ये संबंधित है किससे? ये गुप्ता संबंधित नहीं है, ये संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। दिस इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट ऑन मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग चंद्र। अब देखते हैं हम लोग चंद्र के बारे में। मेरा थर्ड यहाँ पर गलत है, मेरा आंसर यहाँ पर है ए। देखिए, आप गए होंगे दिल्ली, आप गए होंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाजू में एक है लौह स्तंभ, ये देख रहे हैं ना, लौह स्तंभ, हाँ यही वाला। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, इट इज़ 7 meters 23 feet कीर्ति स्तंभ, कॉलम ऑफ फेम और विक्ट्री कॉलम, ओरिजिनली इरेक्टेड एंड डेडिकेटेड एज ध्वजा टू हिंदू डेटी लॉर्ड विष्णु इन 3rd and 4th century बाय किंग चंद्र। इन्होंने बनाया था। करेंटली स्टैंडिंग इन कुतुब कॉम्प्लेक्स एट मेहरौली इन दिल्ली, इट इज़ फेमस फॉर रस्ट रेसिस्टेंस कंपोजिशन। इसमें इतने सालों के बाद भी जंग नहीं लगा, इसके लिए आश्चर्य है, इसके लिए काफ़ी फेमस है। द पिलर हैज अट्रैक्टेड द टेंशन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड मटेरियल साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन एंड हैज़ बीन कॉल्ड एज टेस्टिमनी। इसके कारण से इसमें जंग नहीं लगा, इसके कारण से हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हमारे जो एंशियंट, जो हमारे आयरन स्मिथ थे, जो मेटलर्जी वाले थे,
वो कितने स्किलफुल थे, उनमें कितने सारे स्किल्स भरी हुई थी कूट कूट के। द कोरोजन रेसिस्टेंस रिजल्ट फ्रॉम एंड इवन लेयर ऑफ क्रिस्टलाइन आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट फॉर्मिंग ऑन द हाई फॉस्फोरस कंटेन आयरन विच सर्व टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द डेली क्लाइमेट। डेली क्लाइमेट में आदमी नहीं बचता, ये देखो पिलर बच रहा है आयरन का, समझ रहे। तो ये सब बातें हैं क्यों है, ये कारण भी हमने दिया है यहाँ पर नीचे, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमने हमने अब बताएं कुछ और बातें। अमर सिम्हा अमर कोश लिखी है, कालिदास क्या क्या लिखा है उन्होंने, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि। वराहमिहिर उन्होंने क्या लिखा, बृहत संहिता, पंच सिद्धांता, ये दोनों लिखी किन्होंने, वराहमिहिर ने। सर आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं, कहीं क्योंकि हमने कुछ समय पहले अभी तुरंत सवाल किया कि इनमें से कौन सी रचना है जो कालिदास पर लिखी गई है। अब क्वेश्चन तो था कालिदास के ऊपर, अब क्या गारंटी है कि एग्जाम में आपसे कालिदास पूछेगा, हो सकता है आपको पूछ दिया कलहन के बारे में, कल्पन के बारे में, शंकु के बारे में, है ना। तो ये सब बातें हैं, तो आपको तैयार करना है सब कुछ चीज़ें, हमको मैं तैयार करा दूंगा। यहाँ पर धनवंतरी क्या लिखी है, वो एक फिजिशियन थे, हरिसेना इनकी कमोशन यहाँ पर है, फिर है कल्पना एस्ट्रोलॉजर थे, शंकु आर्किटेक्चर थे, यहाँ पर वरारुचि, यहाँ पर बात है कि ग्रामेरियन एंड संस्कृत स्कॉलर थे, वेताल भट्ट सेट टू बी मैजिशियन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट वन, आगे हम लोग लाएंगे सेट टू और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग जो हमारे विषय होंगे स्टैटिक वाले, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, जो मिडेवल इंडिया है उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने लोग देखेंगे हम उतना काम करेंगे, हम उतनी मेहनत करेंगे आपके लिए। लोग नहीं देखते तो हमें मेहनत करने का भी मन नहीं करता भाई मेरे। तो ऐसे बातें हैं, चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों अपने वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।